फाइनली यहां पर सारे आईफोन में iOS 18 का जो स्टेबल बिल्ड है वो रिलीज हो चुका है। बट अगर आपके आईफोन में कुछ एरर आ रही है, अगर आप यहां पर देख सकते हैं अनेबल टू इंस्टॉल करके काफी सारे यूजर को यहां पर जो एरर है वो देखने को मिल जाती है। हो सकता है आपको भी ये जो एरर है वो देखने को मिल रही हो, या फिर गाइस आपकी डिवाइस में iOS 18 का जो अपडेट है वही देखने को ना मिलता हो, या फिर गाइस कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ही एक आईफोन में प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पर जो मैं पेज है उसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो भी जो iOS 18 का स्टेबल बिल्ड है वो देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसको कैसे सोल्व करना है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात बताने वाला हूँ, अगर आपकी डिवाइस में यहाँ पर अनेबल टू इंस्टॉल करके जो एरर अगर देखने को मिल जाती है तो उसके दो रीजन आपके डिवाइस में हो सकते हैं। सबसे पहला है गाइस आपकी डिवाइस में यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है वो बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर आपके आईफोन में यहाँ पर 20% से बिलो का अगर बैटरी होगा तो आप यहाँ पर जो अपडेट है उसको डाउनलोड या फिर इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी डिवाइस में अनेबल टू इंस्टॉल का एरर आता है तो उसका जो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है वो है स्टोरेज इश्यू का। तो सिंपल सा चले जाना है आपके आईफोन के सेटिंग्स में, जाना है जनरल में, जहां पर आप लोगों को आईफोन स्टोरेज करके एक ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। सिंपली आप लोगों को चेक कर लेना है अवेलेबल आईफोन स्टोरेज स्पेस कितना है। अगर गाइस यहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस है वो 20 GB से ऊपर होगा तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पर मिनिमम जो सिस्टम रिक्वायरमेंट फाइल की साइज रहेगी वो गाइस साइज रहेगी यहाँ पर करीब करीब 12 से 15 GB के आसपास। और ये सब कुछ करने के बाद भी आपके डिवाइस में यहाँ पर अभी भी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो रहा है तो एक आखिरी ऑप्शन है, आप अपने डिवाइस को फोर्स रिस्टार्ट कर दो। फोर्स रिस्टार्ट कैसे होगा? सिंपल सा गाइस आपकी डिवाइस में यहाँ पर वॉल्यूम प्लस एक बार टैप करना है, वॉल्यूम माइनस दूसरी बार टैप करना है और लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपके डिवाइस का पावर बटन का, तो ऑटोमेटिकली गाइस आपका यहाँ पर डिवाइस है वो यहाँ पर फोर्स रिस्टार्ट हो जाएगा और जो भी सारी कैच रिलेटेड इश्यू होगा, जो भी सारा यहाँ पर बग्स होगा वो सब कुछ फिक्स हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स में जो नया अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट में वो देखने को मिल जाएगा। अब ये सब कुछ गाइस आप अपने आईफोन में कंसीडर करते हैं फिर भी आपके आईफोन में नया iOS 18 का अपडेट है वो देखने को ना मिले तो गाइस आप कोई थर्ड पार्टी टूल है उसको यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टेनर से रीआईबूट सॉफ्टवेयर की। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से गाइस आप अपने आईफोन में या फिर आईपैड में काफी सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। लाइक iOS 18 का जो अपडेट है उसको डाउनग्रेड या फिर अपग्रेड भी कर सकते हैं और वो भी विदाउट जेलब्रेक। यहाँ पर 150 प्लस काफी सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है वो 9to5 मैक, मैक वर्ल्ड, एप्पल इंसाइडर, काफी सारे लोगों ने इसको कंसीडर किया है, जहां पर गाइस आप घर बैठे बैठे 150 प्लस अपने आईफोन की जो प्रॉब्लम है लाइक एप्पल लोगो स्टक हो गया, डिस्प्ले फ्रॉज हो गया, सब कुछ फिक्स कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर डाउनलोड बटन पर आपको टैप करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम iOS 18 को अपग्रेड करने वाले हैं तो सिंपल सा अपग्रेड एंड डाउनग्रेड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद अपने आईफोन को पीसी के साथ कनेक्ट करना है और अपने यहाँ पर अपग्रेड वाला ऑप्शन उसको चूज करना है। फिर सिंपल सा आपको यहाँ पर अपग्रेड बटन पर टैप करेंगे तो जो भी गाइस आपने आईफोन कनेक्ट किया होगा अपने पीसी के साथ वो ऑटो डिटेक्ट भी हो जाएगा, जो लेटेस्ट फर्मवेयर आया होगा वो भी यहाँ पर कंसीडर हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना जो पीसी का पाथ है उसको चूज करके डाउनलोड बटन पर टैप कर देना है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन गाइस आपका यहाँ पर पूरा अपडेट है। लाइक मेरे यहाँ पर आईफोन 15 में गाइस RC अपडेट है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फाइल की साइज गाइस यहाँ पर 8 GB है। तो आपका गाइस इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा खासा रहना चाहिए तो ही गाइस ये जो प्रोसेस है वो स्मूथली आपकी डिवाइस में यहाँ पर होने वाली है। अब ये गाइस मेथड क्या करेगी, सिंपल सा आपका अपडेट है उसको डाउनलोड करेगी अपने लोकल पीसी में, इसके बाद आपका यहाँ पर सिंपल सा इनिशियल अपग्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, सब कुछ करने से पहले आप अपने iCloud से या फिर टेनोसर की ओर से आने वाले iCare फोन की हेल्प से आप अपना iCloud या फिर अपने iPhone का जो बैकअप है उसको क्रिएट कर दे, क्योंकि गाइस आने वाले दिनों में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आपके यहाँ पर आईफोन है वो 2-3 बार अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्टार्ट भी हो सकता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। फाइनल गाइस यहाँ पर हमारा जो अपग्रेड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर टेनर सर की ओर से आपके लिए iOS 18 एंड iPhone 16 का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें गाइस आप अपना iPhone 16 है वो भी जीत सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आप लोगों को 2-3 स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ज्वाइन नाउ बटन आता है तो उसको आप फॉलो करेंगे, जो सारे स्टेप है उसको कंसिडर करेंगे तो आप यहाँ पर
iPhone 16 के लिए पार्टिसिपेट भी हो जाएंगे। तो राइट नाउ एयर डील के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर टेनर से रीआईबूट सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ गाइस $19.95 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी एक्सक्लूसिव डील है आपके लिए है, तो उसको डेफिनेटली चेकआउट करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके भी iPhone 12, 13, 14 या जो भी आपके पास iPhone है उसमें iOS 18 का जो अपडेट है वो फाइनली आ भी गया होगा और आपने यहाँ पर इसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा। अगर ऐसे ही iOS रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कोई नया अपडेट आ जाएगा, नया फीचर आ जाएगा, तो मैं आपके लिए तुरंत ही गाइस उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।